और प्रयागराज के फाफावां में एक ही परिवार के चार लोगों की नृशंस हत्या के मामले में शवों का पोस्टमार्टम के बाद चारों शवों को उनके आवास पर भेज दिया गया। इस बीच मौके पर तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। परिजन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर अंतिम संस्कार न करने पर अड़े हुए हैं। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी एसडीएम सुराव और सीओ सुराव ने परिजनों को समझाने की पूरी कोशिश की। अधिकारियों की ओर से अब तक 16 लाख का मुआवजा देने की बात कही गई है, लेकिन परिजन आरोपियों की फांसी की मांग पर अड़े हैं। इस मामले में पुलिस ने नामजद 11 आरोपियों में से 8 लोगों को हिरासत में लिया है। प्रयागराज के फाफामऊ इलाके के गोहरी गांव में एक परिवार के चार लोगों की नृशंस हत्या के मामले में हमारे साथ बात करने के लिए जो मृतक हैं फूलचंद, उनके साले हैं सनी, उनसे बात करते हैं। सनी, पुलिस का कहना है कि जो 11 आप लोगों ने नाम दिए हैं उसमें से 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। एक कोई है जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, 2 लोग मुंबई में, बाकी सब लोग गिरफ्तार नहीं, हिरासत में ले लिए गए हैं। तो क्या चाहते हैं आगे? तो जेल भेजें, सबको बुला के जेल भेजें, सख्त सख्त कार्रवाई उनके साथ हो, फांसी हो उनकी, बच्ची के साथ बलात्कार, पास को भी पॉक्सो लगा है जी, छोटी बच्ची है। अच्छा। अब उनको जेल भेजा जाए, उसको फांसी दी जाए उनको। तो जिस तरह से पूरी घटना सामने आई उसको लेकर के लोगों में खासी नाराजगी है। लोग मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। प्रयागराज के फाफामऊ में 4 लोगों की हत्या पर सियासत शुरू हो गई है। घटना के बाद प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने भी प्रियंका गांधी पर पलटवार किया। फाफामऊ के इस घर में ही एक परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद मातम पसरा है। परिवार दर्द में है, लेकिन इस परिवार का ये दर्द सियासी दलों के लिए दर्द नहीं, एक मौका है। यूपी के टूर पर आने का तमगा ले चुकी प्रियंका गांधी भी इस मौके को भुनाने से नहीं चुकी और राजनीति चमकाने के लिए पहुंच गईं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रयागराज में पहुंची हैं, गोरी गांव में, और आप अगर सामने दृश्य देखें तो एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या हुई है। प्रियंका गांधी उनसे बात कर रही हैं, उनका दर्द साझा कर रही हैं। ये हादसे नहीं होने चाहिए, अगर होते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे मैं बार बार हर 2 दिन हर 3 दिन में आती हूँ, किसी से मिलती हूँ, ऐसा ही हादसा होता है। आगरा को देखिए, आगरा में क्या हुआ अरुण वाल्मीकि के साथ, हाथरस में क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है। तो जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो क्या सब चुप बैठे हैं, सब देखते ही रहेंगे क्या? तो फिर संविधान दिवस मनाने का क्या मतलब है? प्रियंका के दौरे को देख बीजेपी भी तुरंत एक्शन में आ गई और प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी पर ही सवाल उठा दिए। कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनकी उपस्थिति अगर दर्ज कराने की कोई बात करता है तो लोग कहते हैं 4.5 साल बीत जाने दो, चुनाव आएगा, तो मैंने 2 महीने 3 महीने पहले वो सारे महत्वपूर्ण नेता दिखाई पड़ेंगे। हैं तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जहाँ के नेता चुनावी मौसम में आते हैं, आना भी चाहिए उनको, क्योंकि 4.5 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका नेतृत्व तो काम करता है, पूरे 5 साल तक का काम करने की प्रवृत्ति। बीजेपी के हमलावर होने के बाद प्रियंका गांधी ने भी विरोधियों को करारा जवाब दिया है। बारे में कुछ भी कह दें, हमेशा कहते हैं पहले मैं टूरिस्ट थी, फिर अब मैं दिखावा कर रही हूँ, कुछ भी कह दें, मैं आवाज उठाती रहूंगी, मैं इनके खिलाफ लड़ती रहूंगी, जहाँ अन्याय हो रहा है मैं जाती रहूंगी। पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया है और उसके बाद ये घटना जिस तरह से सामने आई थी, अब लगातार इस पर यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के नेता पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे करके कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के बाद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी यहां पर आएंगे, ऐसी सूचना है, और नेताओं के आने जाने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।